स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ सोमनाथ मंदिर और आपको मेरे पीछे ही एक खूबसूरत सोमनाथ मंदिर का नज़ारा नजर आ रहा है। सोमनाथ मंदिर में आप बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड आ सकते हैं। आप आते हैं बाय रोड तो सबसे नज़दीकी बस स्टॉप है सोमनाथ मंदिर बस स्टॉप। सोमनाथ के लिए सभी छोटे बड़े शहरों से जैसे कि भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत से लग्जरी बसों के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट की बसें भी चलती हैं जो आपको छोड़ेगी सोमनाथ बस स्टॉप पर, जहां से सोमनाथ मंदिर की दूरी है 500 मीटर की। सोमनाथ रेलवे स्टेशन सोमनाथ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जिसकी दूरी है मात्र 2 किलोमीटर, पर उसमें अभी रिनोवेशन का कार्य चालू है तो आप आ सकते हैं इसके दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वेरावल पे जिसकी दूरी है मात्र 7 किलोमीटर। आप आना चाहते हैं बाय एयर तो आप आ सकते हैं केशोद जिसकी मंदिर से दूरी है लगभग 55 किलोमीटर की, और यदि आपको यहां के लिए फ्लाइट की सुविधा ना मिले तो आप आ सकते हैं दीव एयरपोर्ट पे जिसकी दूरी है लगभग 85 किलोमीटर की, और दोनों ही एयरपोर्ट से इजीली आपको छोटी या बड़ी कार मिल जाएगी। सोमनाथ मंदिर जाने के लिए आप अपने हिसाब से उसे हायर कर सकते हैं। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं वेरावल के इस रेलवे स्टेशन पर, और जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे तो आपको सोमनाथ मंदिर जाने के लिए ऑटो मिल जाएगी जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से 20 रुपये। यहाँ से आगे मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर ही मोबाइल को रखना पड़ेगा। बिल्कुल इसके पीछे ही बना हुआ है यहाँ का लॉकर रूम जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने राजा दस की 27 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, लेकिन वो रोहिणी से ही ज़्यादा प्रेम करते थे। राजा दक्ष ने चंद्रमा को बहुत समझाया पर वो जब नहीं माने तो उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने शिव जी की कठोर तपस्या करके श्राप से मुक्ति पाई, जिसके बाद चंद्रमा की प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव स्वयंभू प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए थे। सोमनाथ मंदिर से आप जाना चाहते हैं द्वारिका तो आपको वेरावल से सोमनाथ ओखा रात 11 बजे ट्रेन मिल जाएगी जो आपको द्वारका छोड़ेगी सुबह 7 बजे। वहीं अगर आप आना चाहते हैं द्वारिका से सोमनाथ तो द्वारिका से आपको रात 8:55 पे सोमनाथ जाने के लिए ट्रेन मिल जाएगी जो आपको सोमनाथ छोड़ेगी सुबह 5:15 पर। सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे ही बना हुआ है ये पुराना सोमनाथ मंदिर जहाँ पे आपको नजर आएंगे 2 शिवलिंग। एक शिवलिंग है जो नीचे की तरफ है और एक शिवलिंग है जो ऊपर की तरफ है। नीचे की शिवलिंग है जो स्वयंभू बना हुआ है, ऊपर का शिवलिंग है जिसे आलिया भाई होलकर ने बनवाया है, इसीलिए शायद इसको आलिया भाई होलकर सोमनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भक्ति प्रदानायक पावतीर्णं त्वं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सोमनाथ में रहने और खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, पर आप स्टे करना चाहते हैं सोमनाथ में तो सोमनाथ ट्रस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट www.somnath.org.in से लीलावती भवन या फिर सागर दर्शन धाम में सभी सुविधाओं के साथ आप अपने बजट के हिसाब से डॉर्मेट्रिक, एसी, नॉन एसी या फिर लग्जरी रूमों को बुक करवा सकते हैं। फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं सागर दर्शन धाम में, जो सोमनाथ में रुकने के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। इनका खाना तो एकदम लजीज है, साथों साथ इनकी एक ये भी खासियत है कि आप चाहे कोई भी इनका रूम आप बुक करवा लो, इनके सभी रूमों में से आप लुत्फ़ उठा पाएंगे सागर की लहरों का। बिल्कुल इनके पीछे ही बना हुआ है ये सोमनाथ वॉकवे और समंदर।
आज के वीडियो में बस इतना ही। सोमनाथ मंदिर के दूसरे एपिसोड में आप देख पाएंगे बालका तीर्थ, बाणगंगा, त्रिवेणी संगम, राम मंदिर और सोमनाथ वॉकवे को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।